अस्सलामु अलैकुम आदाब, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज यू नो, वर्किंग हियर एट सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सीमन के इजैकुलेशन के बाद अगर आपको कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसी तरीके से लंपी सीमन जिसको हम लोग कहते हैं कि लंपी सीमन आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कुछ आपको दाने दाने जैसा दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा है, और ऐसा आपको फील हो रहा है कि इसमें कुछ दाने दाने जैसी चीज़ें हमको दिख रही हैं सीमन के एजैकुलेशन के बाद, अगर आपको ये कंप्लेंट हो, ये आपको कंसर्न हो जाए कि ये जो दाने दाने चीज़ें जेली लाइक स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहा है, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों किसी शख्स में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो लंपी सीमन है ये किसी शख्स में होता है, और क्या इसकी वजह से आपको कोई दीगर परेशानियाँ हो सकती हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले ही हम आपको डिनाई कर देते हैं कि आपको अगर इस तरह के इश्यूज़ आपको दिख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सीमन में जेली लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सीमन में कुछ दाने दाने जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं, दानेदार चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि अगर उसके साथ कोई आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स आ जाएं, अगर कोई इसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, बस सिर्फ आपके जो सीमन हैं उसमें कुछ दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर आपके एजाकुलेशन के साथ वो भी आ रहा है, सीमन के साथ लगा हुआ ही आ रहा है, तो आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम बात करें कि होता क्यों है, ये जो दाने दाने जैसी चीज़ें जो हैं एजाकुलेशन के साथ में जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लंपी सीमन कहते हैं, ये लम्ब्स जो हैं ये क्यों आते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बिकॉज ऑफ प्रोटीन होता है, जो हमारे सीमन में प्रोटीन जो कंटेंट होता है उसकी वजह से ये ऐसा होता है कि वो जो प्रोटीन है वो अपनी शेप ऐसी बना लेता है। देखिए सीमन का ऐसा है कि ये इसका जो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका खाना पीना कैसा है, ये डिपेंड करता है आपका माहौल कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, इन सारी चीज़ों पर ये जो है सीमन आपका जो है वो डिपेंड करता है कि कैसा होगा। सीमन जो है वाइटिश होता है, ऑफ ग्रे कलर का होता है, ऑर्डर जो है इसमें क्लोराइड की ऑर्डर हो सकती होती है, और इसी तरीके से इसकी जो बू होती है वो फ्रक्टोज की वजह से, क्योंकि सीमन में फ्रक्टोज भी होता है तो उसकी वजह से ये समझ लीजिए कि मीठी खुशबू होती है उसकी एक तरह से, तो ये पूरा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया सीमन का। लेकिन जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या इसी तरीके से जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या फिर जो जिनकी हैबिट्स जो हैं वो सही नहीं है, लाइफस्टाइल उनका हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी फूड लेते हैं, तो उन लोगों में ये चीज़ें जो हैं कुछ इनका स्ट्रक्चर जो है वो बदल सकता है और जो टेक्सचर है इसका सीमन का वो चेंज हो सकता है। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जिस तरीके से हम ओवरऑल अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ओवरऑल हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, उसके लिए हम जिम ज्वाइन करते हैं, दूसरा जो है हम पूरा ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का कि हमारा जो बॉडी का जो अपेयरेंस है, जो दिखावा है हमारी बॉडी का वो सही हो, तो इसी तरीके से हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारी जो सीमन की जो हेल्थ है, सीमन का जो हेल्थ है उसको भी हम कैसे मेंटेन करें, उसकी हेल्थ का हम कैसे ख्याल रखें, ये भी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। तो ये जो लंपी सीमन जो आ रहा है तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि उसके साथ आपको कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स आ जाएं तब आपको घबराने की ज़रूरत है। देखिए स्टिकी होता है सीमन, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन उसके अंदर होता है, चिपचिपापन होता है, ताकि जब इजाकुलेट हो, सीमन का इजाकुलेशन हो, तो फिर ये जो है वजाइना से चिपक करके जो सर्विक्स की तरफ है वो जाए, ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल फंक्शन है कि इस तरीके से, इस वजह से ये जो है स्टिकी होता है। लेकिन
अगर ये जो इसका स्टिकीपन है, जो इसका चिपचिपापन है, जो इसका गाढ़ापन है, अगर ये कम होने लगे तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है, आपको परेशान होना चाहिए और इसके लिए आपको फिर कंसल्ट करना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी सेक्सोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए इससे रिलेटेड। क्योंकि अगर आपका सीमेन स्टिकी नहीं रहेगा, अगर आपके सीमेन जो है वो ठीक नहीं रहेगा, उसके अंदर पतलापन आ जाएगा, उसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर और कॉजेज़ हैं कि किसी भी शख्स में जो सीमेन है उसका पतलापन क्यों होता है, उसका जो स्टिकीपन है वो क्यों ख़त्म होता है, उसका गाढ़ापन क्यों ख़त्म हो जाता है, किसी का सीमेन पतला क्यों हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण, बहुत सारे फैक्टर होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेंट भी आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का सीमेन अगर पतला हो गया, हाइड्रोस्पर्मिया हो गया, तो फिर उसको जो है स्पर्मेटोरिया हो सकता है, जिरियाने मनी की शिकायत हो सकती है, जिरियाने मजी हो सकता है उसको, पीएमई की शिकायत हो सकती है उसको, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये इसी तरीके से और भी सेक्सुअल डिसऑर्डर के साथ साथ उसको जो है बहुत बड़े एक जो मेजर कॉज है, मेजर फैक्टर जो कंप्लेंट है वो ये आ सकती है कि उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की मोर्टैलिटी कम हो सकती है, प्रोग्रेस कम हो सकती है, मॉर्फोलॉजी गड़बड़ हो सकती है, ये सारी कंप्लेंट आ सकती हैं अगर किसी शख्स में हाइड्रोस्पर्मिया हो जाए तो। इस वजह से सीमेन की हेल्थ को, सीमेन की सेहत को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आप अपनी ओवरऑल अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से सीमेन की सेहत का ख्याल रखना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आप, उम्मीद है कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है अब तक कि सीमेन से रिलेटेड सीमेन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है और इसी तरीके से उसके पीछे के और फैक्टर क्या होते हैं कि जिसकी वजह से किसी शख्स में इस तरह की कंप्लेंट क्यों आती हैं, ये मैंने आपको बताया। सीमेन के पतला होने, जैसे जैसे एज, किसी शख्स की एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, तो उसी तरीके से उसका जो सीमेन है वो भी ख़राब होता चला जाता है। जिस तरीके से ओवरऑल बॉडी की हेल्थ जो है वो बिगड़ती चली जाती है, इसी तरीके से सीमेन की जो हेल्थ है वो भी बिगड़ती चली जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए कि कैसे हम अपने सीमेन की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हम अपने सीमेन की हेल्थ को जो है बरकरार रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको हम यूज़ करके अगर किसी शख्स में सीमेन का पतलापन हो गया है, किसी शख्स को हाइड्रोस्पर्मिया हो गया है, इसके साथ साथ उसको जो है स्पर्मेटोरिया डेवलप हो गया, जिरियाने मनी की शिकायत हो गई है, जब भी वो यूरिन पास करने जाते हैं साथ साथ में जो है सीमेन भी आ जाता है, उनका डिस्चार्ज हो जाता है, इसी तरीके से कुछ सोचते हैं, थोड़ा सा ख्याल आता है, बस फौरन सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी कंप्लेंट होती है। ऐसे लोगों में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऑल पूरी बॉडी जो है उनका वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इसी तरीके से उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो सीमेन है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम, फ्रक्टोज और इसी तरीके से प्रोटीन जो है भरपूर होता है। तो जब बार बार सीमेन आपका डिस्चार्ज होगा, बार बार निकलेगा, इजैकुलेशन होगा, तो आपकी बॉडी से अल्टीमेटली ये जो फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये भी चीज़ें आपकी बॉडी से निकलती चली जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये ज़्यादा निकलेगा तो आपकी अल्टीमेटली आपकी बोन्स वीक होने लगेंगी, कमज़ोर होने लगेगी, उसमें वीकनेस आने लगेगी। इसी तरीके से आपका जो है पूरा ओवरऑल बॉडी का निज़ाम जो है वो वीक हो जाएगा, पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, जो खाएंगे आप डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में भारीपन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, फिर आपको भूख ही लगना बंद हो जाएगी, कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन इसमें आने लगती हैं। हाँ, तो बातें ज़्यादा हो गई, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी कंडीशन अगर आप में हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोस्पर्मिया के लिए। इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियोस में आपको बताया कि अगर आपको हाइड्रोस्पर्मिया हो जाए, सीमेन आपका थिन हो जाए, पतलापन हो जाए, तो फिर इसके लिए बेस्ट है माजून आरत खुरमा और उसके साथ में कुर्स कुश्ता कलाई। माजून आरत खुरमा के साथ में कुर्स कुश्ता कलाई मिला लेने से इसमें जो पतलापन होता है ये चेंज हो जाता है बहुत ही तेज़ी के साथ 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 में। ये बहुत अच्छा हमारा जो है विटामिन है, बहुत अच्छा हर्बल जो है मल्टी विटामिन है माजून आरत खुरमा। तो ये जो जनरल वीकनेस आई है आपके अंदर स्पर्मेटोरिया की वजह से, जो बार बार आपका जो सीमेन डिस्चार्ज हो रहा था उसकी वजह से जो वीकनेस आ गई थी, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होता है।
क्रेज कंपनी का जो है धातु पौष्टिक चूर्ण है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। सुफूफ मुअल्लिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट के गाढ़े करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखता है वो। इस पर मटोरिया आपको हो गया, माजून जिरियान ख़ास आप इस्तेमाल कर लीजिए, खुर्स जिरियान इस्तेमाल कर लीजिए, जिरियानी आती हैं उनका आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये कंप्लेंट्स रिलेटेड मेडिसन्स होती हैं, इस तरीके से अगर आप इन दवाओं को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। सीमेन में पतलापन आ गया, माजून मुगलिस जवाहरी का इस्तेमाल कर लीजिए, माजून मुगलिस जवाहर वाली, या सदर कंपनी का माजून मुगलिस जवाहरी आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल वीकनेस है आपको, जनरल डिबिलिटी है, कुछ करने का मन नहीं करता, सुस्ती काहली हो गई आपको, तो फिर अब आपको कैप्सूल विंटॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिको हर्ब का है विंटॉक्स, आप उसका यूज़ करिए, अच्छा रिजल्ट है उसका। मैरीगोल्ड कैप्सूल का यूज़ करिए जनरल डिबिलिटी के लिए, बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है वो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से लोकल एप्लीकेशन के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बार बार आपका सीमेन डिस्चार्ज होता है, इस पर मटोरिया हो जाता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं, उसमें कमज़ोरियाँ आने लगती हैं। तो उस वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, मसल्स को जो है बिल्डअप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उनके नरिशमेंट को पूरा करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए रोगन खरातीन का, रोगन बिरबहूटी का, फरबा ऑयल का भी यूज़ करना चाहिए आपको। तो ये कुछ ऑयल हैं, तिला सुर्ख हैं, तिला दात वगैरह आप यूज़ कर लीजिए, तिला मुकवी ख़ास है उनका आप यूज़ कर लीजिए। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए डायनामोल क्रीम है, आप उसका यूज़ कर लीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए टाइम टू टाइम। ख़ास तौर से इसकी जो ख़त्म एक जड़ है मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह की जो कंप्लेंट आती हैं इनसे आपको बचना कैसे है। कंप्लेंट अगर आपको आ गई तो ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनसे बचना कैसे, आपको हमेशा ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ये ऐसी तदबीर आपको करनी है कि इस तरह की कंप्लेंट आपको कभी आए ही ना, तो वो क्या करना है आपको। हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक, 3 महीने आप उसका, साल में 3 महीने ज़रूर यूज़ करिए। चूँकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमारा जो खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, वो अच्छा नहीं है, हम अपनी सेहत का ख्याल रखते नहीं हैं, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि वीकनेसेस आनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो कब आ जाती हैं। फिर हम परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर जा करके हम ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वजह क्या है, क्योंकि सही लोग आपको मिलते नहीं हैं, सही तबीब आपको नहीं मिलते हैं, सही डायग्नोस्टिक आपकी जब तक नहीं बनेगी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो होते हैं वो लोग जब तक समझेंगे नहीं, डायग्नोसिस तभी कंफर्म हो सकती है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के पीछे के कॉजेज क्या हैं। आपको एक परेशानी है, आप एक परेशानी को लेकर के तबीब के पास जाते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, आपको किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। जब तक ये चीज़ें वो समझेगा नहीं तब तक आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा सही, क्योंकि डायरेक्टली उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। यूनानी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जड़ से ख़त्म करते हैं चीज़ों को, जो असल कॉज असल फैक्टर है उसको पता करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप हमेशा एक ऐसे तबीब का जो है तलाश करिए जो बहुत माहिर हो इस सिलसिले में, तभी आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आप हमेशा ऐसी तदबीर अपनाइए कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए ही ना, आपको हाइड्रोस्पर्मिया हो ही ना, आपको दूसरे के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो आए ही ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्पर्मोजेनिक साल में 3 महीने आपको यूज़ करना है, बस सिर्फ 3 महीने यूज़ कर लीजिए, आपको इस तरह की कंप्लेंट कभी नहीं आएंगी, ये हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि ये हमारी रिसर्च पर बेस्ड है, जितने भी इसमें नेसेसरी जो कंपोनेंट हैं हमारे हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, हमारी सेक्सुअल लाइफ को बरकरार रखने के लिए, हमारे सीमेन की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, वो सारे ऑलरेडी इसमें शामिल किए गए हैं और अच्छा खासा इसमें रिसर्च करने के बाद फिर ये हमने बनाया है, तो इस वजह से हमें इस पे कॉन्फिडेंस है। तो आप स्पर्मोजेनिक का ज़रूर यूज़ करिए, बाकी अगर आपको इस तरह के कंप्लेंट हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, दूसरे और भी कोई प्रॉब्लम है, आपके यहाँ माहिर तबीब नहीं है, तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर रहता है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे एक मतलब कंसल्ट ज़रूर करिए। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, PCOD है, PCOS है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चाहे कैसे भी हो, उनका सबका जो है हर्बल मेडिसिन के थ्रू, नेचुरल ड्रग्स के थ्रू उनको ट्रीट किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है।
तो अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट है तो एक मतलब कंसल्ट करिए ज़रूर, हमसे डिस्कस करिए, फिर हम आपको आपको बताते हैं कि क्या उसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाय कोरियर मेडिसिन भी आपको आपके एड्रेस पर भेज दी जाएंगी, तो किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इस तरह की कंप्लेंट है तो कंसल्ट करिए, फिर देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाता है लंपी सीमेन के बारे में, कि सीमेन के साथ में अगर इस तरह की जो है दानेदार कुछ ज़र्रात आपको दिख रहे हैं सीमेन में, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमने बताया आपको। क्यों होते हैं ये हमने बताया आपको। सीमेन का नॉर्मल टेक्सचर क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने बताया आपको। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कौन कौन सी ड्रग को यूज़ करके, किन किन दवाओं को यूज़ करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर मटोरिया अगर आपको हो गया है तो किस किन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको हाइड्रोस्पर्मिया हो गया है तो किन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, और लास्टली हमने आपको बताया कि अगर आपको सही रहना है, अगर आपकी अपनी सीमेन की सेहत का ख्याल रखना है, तो कैसे किस हमारा जो रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक, आप उसको यूज़ करके अपनी इस सीमेन की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और उसको इस तरह की जो प्रॉब्लम आने से पहले ही उनको आप अपने आप को सही रख सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम आने से पहले ही, ये परेशानी आपको ना आए। ये इस तरीके, इसलिए आप इसको साल में तीन महीने ज़रूर यूज़ करें। तो थैंक यू वेरी मच, आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।